जायत बेणी मंजन करे सुन सरोवर त्रिकुटी परे। कहते हैं कि जाए वहां त्रिवेणी संगम में स्नान करे वो सतुष्ट तार। जितने त्रिवेणी संगम में स्नान नहीं किया उस साथी, पहले तो मानसरोवर है और मानसरोवर के बहुत आगे तब त्रिवेणी संगम है, उसमें स्नान करेगा वो है सात। ऊपर है सतलोक में आते जाते संत और परम धाम में आते वो परम संत, तीनों का बोलो। साधना महम या को गाई बिन साधे यह साधन भाई। भाई मैंने तो बचपन में ये कहा इसका नाम साध संत, ये मैंने बताया और तो मैंने कुछ नहीं कहा। भेष संत अब वर्ण सुनाऊ यह भी छान तो ही समझाऊ। बहुत विधि विधान से ताकि सूरत की कोई शंका न रह जाए। शंका उसमें तो कुछ है नहीं, वो तो जीवों के लिए शंका कर रहे कि इनका क्या होगा जो न साध है न संत है न पर संतन की बानी जो पढ़ते सूरत शब्द का निश्चय करते। कहते हैं कि जो संतों की बाणी पढ़ते हैं और सूरत शब्द को समझते हैं कि सही है और कुछ कुछ कमाई भी करते हैं, कुछ मेहनत करते हैं। बोलो संत शरण दिन दढ़ कर पकड़ी कर विश्वास सूरत निज जकड़ी। और संतों के चरणों को पकड़ लिया, नहीं अभी पहुंच सके लेकिन पक्का उन्होंने पकड़ा है और वचन को पक्का मान लिया। बिना संत नहीं और भरोसा करम भरम तज चित को पोता। संतों के बिना और भरोसा नहीं, जो हमारा काम करेंगे तो संत ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, पक्का विश्वास है, आशा है पक्की। सूरत शब्द मार्ग कुछ साधे जितना बने उतना आराधे। कहते हैं सूरत शब्द की कमाई करते हैं जितना उनसे बन जाता है उतना करते कोशिश करते हैं कि हमसे बने। मान लो कि नहीं बना तो विश्वास करते हैं संत हमने सही सच्चे पकड़े और कर रहे काम। इनका नाम भेष तुम जानो प्रीत करो इन सेवा ठानो। और कहते ये लोग जो है ये चौथे दर्जे के कहते भेष। अब मान लो तुमको कहीं मिल जाए तो प्रेम से उनकी सेवा कर, खाना है कोई बस्तर है उनको प्रेम करोगे तो उनकी सेवा से महत्व मिल जाएगी। ये रास्ता रखा है। बोलो चाहे बस्तर रंग घर को छोड़े चाहे घर रहे मन को मोड़े। चाहे उन्होंने वो कपड़े छोड़ दिए और घर से चले गए बाहर मन को मोड़ रहे या घर ही में रह करके बाहर निकले तो साधन करते मन को मोड़ते। जिनकी नहीं धारणा ऐसी घर को छोड़े होए परदेसी। अब कहते हैं कि जिनकी इसमें से कोई धारणा नहीं, न वो जानते हैं कि सूरत शब्द क्या है, न जानते साथ क्या है, न जानते संत क्या है, न जानते परम क्या है। कोई तो बस उन्होंने घर छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिए, काम काज छोड़ दिया और भेद बना दिया बाहर। इनका क्या होगा। कपड़े रंग बातें बहु सीखी जग को ठगे कहावे भेखी।
कहते हैं कपड़े तो रंग लिए और बहुत सी बातें जान ली देख ली और जग को जगत को ठगते फेक बना करते धोखा देते। कर्म लिखी वो भोगी अपनी भर मत फिरे पहन कर कफनी। और कहते हैं महापुरुष कि कर्म की जो कुछ के लिखा है भोग रहे और भेद बना करके कफन बना करके बाहर घूम जाए। तो जब दूसरे को आप ठगोगे तो आप खुद ठग जाओगे। उनका नाम भेख नहीं होई वो पाखंडी जानो सोई। कहते उनका नाम भेख भी नहीं है, भेष भी नहीं है, उन शब्दों में कहते हैं पाखंडी। ना आपको सीधा रास्ता चला सकते हैं, ना बता सकते हैं, भेष जरूर है। तो आपने सरदा की भेष रही, चलो कुछ सेवा कर रहे हैं, तो सेवा कुछ कर रहे थे, लेकिन आपको संतों के वचनों पर प्रीत है तो आपको कोई फल मिलेगा। दीन गवाया दनिया खोई ना गिरही ना त्यागी दोई। कहते दीन ईमान तो खत्म कर दिया, घर बार छोड़ा, बाहर गए वो भी नहीं और घर में रहती होगी दोनों से हैं, न उधर के रहे परमार्थ के, न इधर के रहे स्वार्थ लोक के, दोनों से हम जम के द्वारे धक्के खावे नरक पड़े चौरासी जावे। भाई क्या करें, जो उन्होंने करनी की है जम के द्वारे गए धक्के खाते और जो कर्म किए हैं वो नरक, तो नरक में जा कर के भोगते। और हम जैसे कहते हैं कि भाई ये किराए का मकान है इसे तो खाली करना है, तो आप इसमें पड़े हुए हो कि मेरा मेरा मेरा, मेरी जमीन मेरा मकान और मेरा ये, और तमाम लालच में पड़ते और जमा किए हुए हो और शरीर से जब अलग कर दी तो सामान तो मिट्टी है वो बड़ा शरीर की तरह, न तुम्हारे वो काम आया नहीं काम, दोनों से गए। वो कहते हैं कि भाई नर्क पड़े फिर वहां धक्के खाते, अपनी लिखी जो करनी की है उसी को भोग। रही जीवन बहुत सतावे खावे पीवे और धमकावे। और ग्रस्त जो रहते हैं उनको खाते पीते और धमकाते डराते हैं कि हम ये कर देंगे हम करते हैं, ये धोखा हो गया अपना निजी स्वार्थ हो गया धोखा। तो कहते हैं भाई अब जो उन्होंने तैयार कर लिया अपना मसाला कर्मों का अब भोगे। पूजा अपनी बहुत करावे धन खेचे व्यापार बढ़ावे। पूजा अपनी कराते और धन खींचते और व्यापार से व्यापार, आप सेवा करो व्यापार चला, कोई ब्याज पे रुपया देगा, कोई कुछ करेगा, कुछ कुछ करेगा, ये साध संत अपने को कहें गृहस्थ बिचारे उनकी सहे। अब क्या करें, ये गृहस्थ है उनको कहते कहते हम फलाद हम संत गृहस्थी क्या करें, और कहते हम तुम्हारा ये कर देंगे। अब वो तो बेचारा का समय आया तो बेचारा चल दिया तो वो डरता है कि देखो शराब दे गया और मर गया, मरेगा तो नहीं समय से ही मर जाएगा, जब समय पूरा हो जाएगा
और सासों की पूंजी खत्म तब जाए। तुम धोखा कभी मत कर, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, धोखे में मत पड़ना। यह भी निर्णय तो ही सुनाया, साध संत और भेख लखाया, जीवों का सुनाया कि भाई इनका क्या होगा, तो इनकी तो गति हो नहीं सकती, लड़ पड़ेगी। और संतो और साध की बात, और संतो साध ऐसी बात तो करते नहीं। चौथे पाखंडी कह गाए, जिन जग में बहुफंद लगाए। हाँ, चौथे पाखंडी होते, पाखंडी पाखंड बहुत तरह के धंधे बातें इन ग्रस्तों के सामने, तो बेचारे क्या करें, घबरा जाते। गृहस्थी में कितना दम है बेचारे का, तो घबरा जाता तरह तरह के पास। सुनो सूरत अब कहूं बखानी, खोजो साध संत तुम जानी। तुम ऐसा करो कि साध संत खोजो, हम तुरंत से कहते हैं कि लोगों से कहो कि साध संत की खोज कीजिए, और कहीं ना कहीं आपको मिल जाए। जब आप खोजोगे, तलाश करोगे कि हमको मिले, तो फिर कोई मिलेगा, वही पहुंच जाओगे आप।